मकड़ियाँ, ऊंचाई या फिर स्टेज पे बोलना, हम सभी के अपने भय हैं। डेल कार्नेगी की द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक पढ़कर ना सिर्फ आपके अंदर से पब्लिक स्पीकिंग का डर निकलेगा, बल्कि इसके बाद आपको पब्लिक स्पीकिंग में और भी मज़ा आएगा। अगर आप भी एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो यह बुक आपको गाइड करेगी। इस बुक के अच्छे और एफिशिएंट रिजल्ट्स भी आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे। अगर आपको खुद पे यकीन है तो बेशक ही आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और इसके लिए डिसिप्लिन भी उतना ही ज़रूरी है। रूल्स फॉलो करो, टिप्स और गाइड का यूज़ करो। इस बुक के हर चैप्टर में दिए गए सवालों के जवाब दो, लेकिन आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर में एक लेसन है जो आपको मिस नहीं करना है। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी से कभी कुछ हासिल नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है जिसे आप प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सीखेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी, चैप्टर 1, दर्शकों के सामने विश्वास हासिल करना। दर्शकों की मौजूदगी में अक्सर एक अजीब सी अनुभूति होती है। यह कई आंखों की निगाहों से आगे बढ़ सकती है जो वक्ता की ओर मुड़ते हैं, खासकर यदि वह खुद को उस नज़र को लगातार वापस करने की अनुमति देता है। अधिकांश वक्ताओं ने इसके बारे में एक अनाम रोमांच, एक वास्तविक चीज, वातावरण में व्याप्त, मूर्त, अपर्याप्त, अवर्णनीय में सचेत किया है। श्रोताओं को प्रभावित करने में सभी लेखकों ने एक वक्ता की आंख की शक्ति की गवाही दी है। यह प्रभाव जिस पर हम अब विचार कर रहे हैं वह उस तस्वीर के विपरीत है। वह शक्ति जो उनकी आंखें उस पर डाल सकती हैं, खासकर उसके बोलने से पहले, जब भाषण की आंतरिक आग को आग में जला दिया जाता है तो दर्शकों की आंखें सभी आतंक खो देती हैं। सार्वजनिक भाषण का प्रशिक्षण ले रहे छात्र अक्सर पूछते हैं, मैं आत्मचेतना और उस डर को कैसे दूर कर सकता हूँ जो दर्शकों के सामने मुझे अपंग बना देता है। क्या आपने कभी ट्रेन की खिड़की से देखने पर ध्यान दिया है कि कुछ घोड़े ट्रैक के पास भोजन करते हैं और कभी भी गरजती कारों को देखने के लिए रुकते नहीं हैं, जबकि अगले रेल मार्ग पर एक किसान की पत्नी घबराकर अपने डरे हुए घोड़ों को शांत करने की कोशिश कर रही होगी। आप एक घोड़े का इलाज कैसे करेंगे जो कारों से डरता है? उसे एक शांत खेत में चरा के, जहां वह कभी स्टीम इंजन या ऑटोमोबाइल नहीं देखेगा, या उसे ड्राइव या चारागाह जहां वह अक्सर मशीनों को देखता है। आपने अपने आप को आत्मचेतना और भय से मुक्त करने के लिए घोड़े की भावना को लागू करें। जितनी बार हो सके दर्शकों का सामना करें और आप जल्द ही शर्माना बंद कर देंगे। किसी ग्रंथ को पढ़कर आप मंच भय से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। एक किताब आपको पानी में सबसे अच्छा आचरण करने के बारे में उत्कृष्ट सुझाव दे सकती है,
लेकिन देर सवेर आपको भीगना चाहिए, शायद आपका गला भी घुटना चाहिए और आधी मौत से डरना भी चाहिए। समुद्र के किनारे पहने जाने वाले बहुत सारे गीले रहित स्नान सूट हैं, लेकिन कोई भी उनमें से तैरना नहीं सिखाता है। डूबना ही एकमात्र उपाय है। दर्शकों के सामने बोलने का अभ्यास दर्शकों के सभी डर को दूर कर देगा। जैसे तैराकी में अभ्यास से पानी में आत्मविश्वास और सुविधा पैदा होती है, आपको बोलकर बोलना चाहिए। प्रेरित पौलुस हमें यह बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार का कार्य स्वयं करना चाहिए। हम यहाँ केवल इतना कर सकते हैं कि आपको सुझाव देना है कि अपनी डुबकी के लिए सबसे अच्छी तैयारी कैसे करें। असली डुबकी कोई आपके लिए नहीं लगा सकता। एक डॉक्टर लिख सकता है, लेकिन आपको दवा लेनी होगी। यदि आप पहली बार में स्टेज फियर से पीड़ित हैं तो निराश ना हो। दर्शकों के सामने आने के लिए मूर्ख को कभी दर्द नहीं होता, क्योंकि उसकी क्षमता महसूस करने की क्षमता नहीं है। एक ऐसा अध्यात्म जो एक सभ्य व्यक्ति की जान ले सकता है, वह जल्द ही एक जंगली जानवर को ठीक कर देता है। हम जीवन के स्तर में जितना ऊपर जाते हैं, कष्ट सहने की क्षमता उतनी ही अधिक होती जाती है। कुछ मास्टर स्पीकर कभी भी मंच भय को पूरी तरह से दूर नहीं करते हैं, लेकिन यह आपको इसे जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। डैनियल वेबस्टर अपनी पहली उपस्थिति में विफल रहे और उन्हें अपना भाषण समाप्त किए बिना अपनी सीट लेनी पड़ी, क्योंकि वह घबरा गए थे। एक संबोधन की शुरुआत में ग्लैडस्टोन अक्सर आत्मचेतना से परेशान रहते थे। सार्वजनिक रूप से बात करने से पहले बीचर हमेशा परेशान रहता था। लोहार कभी कभी घोड़े की नाक के चारों ओर एक रस्सी से कसकर घुमाते हैं और इस तरह घोड़ा दर्द देकर वह उसका ध्यान जूते की प्रक्रिया से विचलित कर देते हैं। एक गिलास से हवा निकालने का एक तरीका पानी में डालना है। विषय में पूर्णतया तल्लीन हो जाओ। जब आप बोल रहे हो तो लोहार के घरेलू सिद्धांत को लागू करें। यदि आप अपने विषय के बारे में गहराई से महसूस करते हैं तो आप कुछ और सोच पाएंगे। एकाग्रता कम महत्वपूर्ण मामलों से ध्यान भटकने की एक प्रक्रिया है। जब आप मंच पर होते हैं तो अपने कोट के कट के बारे में सोचने से बहुत देर हो जाती है, इसलिए अपनी रुचि को उस पर केंद्रित करें जो आप कहने जा रहे हैं। अपने दिमाग को अपनी भाषण सामग्री से भरें, और जैसे गिलास में पानी भरना या आपके निराधार भय को दूर कर देगा। आत्म चेतना स्वयं की अनुचित चेतना है और वितरण के उद्देश्य के लिए स्वयं आपके विषय के लिए माध्यमिक है। ना केवल दर्शकों की राय में, बल्कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो अपने आप में। किसी अन्य दृष्टिकोण को धारण करने का अर्थ है अपने आप को एक संदेशवाहक के रूप में प्रदर्शित करने के बजाय
एक संदेशवाहक के रूप में वितरित करना। क्या आपको एल्बर्ट हबर्ड का जबरदस्त छोटा ट्रैक अ मैसेज टू गॉर्सिया याद है? युवक ने अपने आप को उस संदेश के अधीन कर लिया जो उसने बोर किया था। तो क्या आप सभी दृढ़ संकल्प के द्वारा इसे जुटा सकते हैं? जब कोई बड़ी चीज होती है तो अपने मन को स्वयं के विचारों से भरना केवल अहंकार होता है। यह अपने आप से सख्ती से कहो और अपनी आत्मचेतना को शांत करने में शर्म करो। यदि थिएटर में आग लगती है तो आप बिना किसी आत्मचेतना के मंच पर दौड़ सकते हैं और दर्शकों को दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि आप जो कह रहे थे उसका महत्व आपके दिमाग से सभी भय विचारों को दूर कर देगा। खराब करने के डर से आत्मचेतना से भी बदतर अच्छा करने की धारणा के माध्यम से आत्मचेतना है। किपलिंग हमें विश्वास दिलाता है, आपको बहुत अच्छा नहीं दिखना चाहिए और ना ही बहुत बुद्धिमानी से बात करनी चाहिए। दंभ के रूप में कुछ भी खुद को इतनी अच्छी तरह से विज्ञापित नहीं करता है। कोई व्यक्ति स्वयं से इतना भरा हो सकता है कि वह खाली हो जाए। वोल्टेयर ने कहा है, हमें आत्म प्रेम को छिपाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। आप जानते ही हैं कि क्या यह सच है, क्योंकि आपने दूसरों में आत्म प्रेम की अधिकता को पहचान लिया है। यदि आपके पास है तो दूसरे भी इसे आप में देख रहे हैं। इस दुनिया में स्वयं से बड़ी चीजें हैं और उनके लिए काम करने में स्वयं को भुला दिया जाएगा, या जो बेहतर है केवल इसलिए याद किया जाता है ताकि हमें उच्च चीजों की ओर जीतने में मदद मिल सके। बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। कई वक्ताओं के साथ परेशानी यह है कि वह दर्शकों के सामने खाली दिमाग के साथ पहुंच जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रकृति एक शून्य से घृणा करते हुए उन्हें निकटतम चीज से भर देती है जो आमतौर पर होती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं यह सही कर रहा हूँ। मेरे बाल कैसे दिखते हैं? मुझे पता है कि मैं असफल हो जाऊँगा। उनकी भविष्यवाणी करने वाली आत्माएं निश्चित रूप से सही हैं। अपने विषय में लीन होना पर्याप्त नहीं है। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आत्मविश्वास हो। यदि आप बिना किसी तैयारी या अपने विषय के पूर्व ज्ञान के दर्शकों के सामने जाते हैं तो आपको आत्म जागरूक होना चाहिए। आपको अपने दर्शकों का समय चुराने में शर्म आनी चाहिए। अपने आप को तैयारी करो। अपने आप को तैयार करो। जाने कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं और सामान्य तौर पर आप इसे कैसे कहने जा रहे हैं। पहले कुछ वाक्यों को पूरी तरह से तैयार कर लें ताकि शुरुआत में आपको शब्दों को खोजने में परेशानी ना हो। अपने विषय को अपने श्रोताओं से बेहतर जाने और आपको डरने की कोई बात नहीं है। बेहतर तैयारी के साथ कामयाबी की भी उम्मीद रखें।
सफलता के लिए तैयारी करने के बाद इसकी अपेक्षा करें। अपने असर को मामूली रूप से आत्मविश्वासी होने दें, लेकिन सबसे अधिक अपने भीतर विनम्र रूप से आत्मविश्वास रखें। अति आत्मविश्वास खराब चीज है, लेकिन असफलता के पूर्वाभास को सहन करना और भी बुरा है, क्योंकि एक साहसी व्यक्ति अपने असर से ध्यान आकर्षित कर सकता है, जबकि एक खरगोश के दिल वाला कायर आपदा को आमंत्रित कर सकता है। विनम्रता कोई व्यक्तिगत छूट नहीं है जो हमें दूसरों की उपस्थिति में देनी चाहिए। इसे पुरानी व्याख्या के खिलाफ एक सबसे स्वस्थ आधुनिक प्रक्रिया रही है। सच्ची विनम्रता कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को अच्छी तरह से जानता है वह अवश्य ही महसूस करना चाहेगा, लेकिन यह एक दीनता नहीं है जो एक कीड़े की तरह नम्रता मानती है। यह सेवा के लिए, अधिक शक्ति के लिए एक मजबूत जीवांत प्रार्थना है, एक ऐसी प्रार्थना जो उर्पिहा हीप कभी नहीं कह सकती थी। वॉशिंगटन इरविंग ने एक बार चार्ल्स डिकेंस को बाद के सम्मान में दिए गए रात्रि भोज में पेश किया था। अपने भाषण के बीच में इरविंग हिचकिचाया, शर्मिंदा हो गया और अजीब तरह से शर्मा के बैठ गया। अपने बगल में एक मित्र की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, वहां मैंने तुमसे कहा था कि मैं असफल हो जाऊंगा और मैंने किया। यदि आप मानते हैं कि आप असफल होंगे तो आपके लिए कोई आशा नहीं है। आप इस धूल थूसरित IMA गरीब कीड़ा विचार से खुद को मुक्त करें। आप अनंत क्षमताओं वाले देवता हैं। मन हो तो सब कुछ तैयार है। चील बादल रहित सूरज के चेहरों पर देखती है। अपने दर्शकों पर महारत हासिल करें। सार्वजनिक भाषण में बिजली की तरह एक सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति होती है। या तो आप या आपके दर्शकों के पास सकारात्मक कारक होने जा रहे हैं। यदि आप इसे मान लेते हैं तो आप इसे लगभग हमेशा ही अपना बना सकते हैं। यदि आप नकारात्मक मानते हैं तो आप निश्चित रूप से नकारात्मक होंगे। किसी गुण या दोष को मान लेने से वह प्राणवान हो जाता है। आत्मनिर्देशन की अपनी सारी शक्ति को बुलाओ और याद रखें कि यद्यपि आपके श्रोता आपसे असीम रूप में अधिक महत्वपूर्ण है, सत्य आप दोनों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शाश्वत है। यदि तुम्हारा मन उसके नेतृत्व में लड़खड़ाता है तो तुम्हारे हाथ से तलवार गिर जाएगी। एक भीड़ या यहाँ तक कि लोगों के एक छोटे समूह को निर्देश देने या नेतृत्व करने या प्रेरित करने में सक्षम होने की आपकी धारणा आपको बहुत बड़ी मूर्खता के रूप में डरा सकती है, जैसा कि वास्तव में हो सकता है। लेकिन एक बार बोलने के लिए निबंध करने के बाद साहसी बनो। साहसी बनो, यह तुम्हारे भीतर है कि तुम जो चाहे वह बन सकते हो। अपने आप को शांत और आत्मविश्वासी बनाएं। प्रतिबिंबित करें कि आपके दर्शक आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। यदि लिवरपूल में बीचर ने
एक तार के पर्दे के पीछे बात की होती तो वह दर्शक को अधिक पकी हुई मिसाइलों को फेंकने के लिए आमंत्रित करता जिनसे वे भरी हुई थी, लेकिन वह एक आदमी था। एक गहरी सांस लें, आराम करें और एक शांत बातचीत के स्वर में शुरू करें, जैसे कि आप एक बड़े दोस्त से बात कर रहे थे। आप इसे आधा इतना बुरा नहीं पाएंगे जितना आपने इसे सोचा था। वास्तव में यह एक ठंडी डुबकी लेने जैसा है। आपके अंदर जाने के बाद पानी ठीक है। वास्तव में कई बार बोलने के बाद आप उत्साह के साथ डुबकी लगाने का भी अनुमान लगा लेंगे। दर्शकों के सामने खड़े होना और उन्हें यह सोचने के लिए मजबूर करना कि आपके बाद आपके विचार सबसे महान सुखों में से एक हैं जिसे आप कभी भी जान सकते हैं, इससे डरने के बजाय आपको उतना ही चिंतित होना चाहिए जितना कि लोमड़ी अपने पट्टे पर दबाव डालती है या दौड़ के घोड़े अपनी लगाम कसते हैं। इसलिए भय को दूर भगाओ, क्योंकि भय कायरता की निशानी है जब उस पर अधिकार ना हो। सबसे बहादुर लोग डर को जानते हैं, लेकिन वे इसके आगे नहीं झुकते। अपने दर्शकों को विनम्रता के साथ सामना करें। यदि आपके घुटने कांपते हैं तो उन्हें रोक दें। आपके दर्शकों में आपके लिए कुछ जीत है और जिस कारण का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जाओ और इसे जीत लो। मान लीजिए चार्ल्स मार्टेल टूर्स से सैरसन के हथौड़े से मारने से डरते थे। मान लीजिए कोलंबस अज्ञात पश्चिम से बाहर निकलने का डर था। मान लीजिए कि हमारे पूर्वज जॉर्ज द थर्ड के अल्पचार का विरोध करने के लिए बहुत डरपोक थे। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जिसने कभी कुछ भी सार्थक किया वह कायर था। दुनिया अपनी प्रगति का श्रेय उन लोगों को देती है जिन्होंने हिम्मत की है, और आपको बोलने के लिए अपने दिल में प्रभावी शब्द बोलने का साहस करना चाहिए, क्योंकि अक्सर एक वाक्य को बोलने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखें कि पुरुष कोई स्मारक नहीं बनाते हैं और उन लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं बुनते हैं जो वह करने से डरते हैं, जो वे कर सकते हैं। क्या यह सब असंगत है? क्या तुम कहते हो, यार तुम्हें जो चाहिए वह सहानुभूति नहीं बल्कि एक धक्का है? किसी को संदेह नहीं है कि स्वभाव और नसों और बीमारी, यहाँ तक कि प्रशंसनीय विनम्रता, अकेले या संयुक्त रूप से श्रोताओं के सामने वक्ताओं के गाल को उड़ा सकती है। इनमें से कई विचारों को अधिक विशिष्ट तरीके से प्रवर्धित और लागू किया जाएगा, लेकिन इन सभी अध्यायों के माध्यम से एक कला पर, जिसे श्री ग्लैडस्टोन सार्वजनिक प्रेस से अधिक शक्तिशाली मानते थे। आपके लिए प्रश्न और अभ्यास। पहला, आत्म चेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस का कारण क्या है? दूसरा, जानवर इससे मुक्त क्यों है? तीसरा, बच्चों में आत्म चेतना के संबंध में आपका क्या अवलोकन है? चौथा, असामान्य उत्तेजना के तनाव में आप इससे मुक्त क्यों हैं?
पांचवा, मध्यम उत्तेजना या एक्साइटमेंट आपको कैसे प्रभावित करती है। छठा, आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। सातवां, वक्ता के भरोसे का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। आठवां, आत्मविश्वास और कायरता पर 2 मिनट का भाषण लिखें। नौवां, विचारों की आदतों का आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में राइट थिंकिंग एंड पर्सनैलिटी पर अध्याय पढ़ें। दसवां, इस अध्याय की शिक्षाओं को शामिल करते हुए आपके किसी अनुभवी को संक्षेप में लिखें। ग्यारहवां, मंच भय पर 3 मिनट का भाषण दें, जिसमें 2 या 2 से अधिक पीड़ितों की नकल करना शामिल हो। आप इसे फोन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। चैप्टर 2, एक जैसे ढंग की नीरसता या मोनोटोनी। मोनोटोनी या नीरसता का मतलब हमेशा एक जैसे रहने की स्थिति, इसलिए दूसरों के सामने बोरिंग दिखना। हमारी हिंदी या इंग्लिश वर्षों के साथ बदल गई है। कई शब्द अब मूल रूप से जितना वे करते थे उससे कहीं अधिक अर्थ रखते हैं। यह नीरस शब्द का सच है। केवल एक स्वर होने से इसका अधिक व्यापक अर्थ है। नीरस वक्ता या बोरिंग वक्ता जो एक जैसे स्थिति में ही रहता है, एक ही मात्रा और स्वर की पिच में ड्रोन करता है, बल्कि हमेशा एक ही जोर, एक ही गति, एक ही विचार के साथ पूरी तरह से उपयोग करता है। इमर्सन कहते हैं कि कला का गुण अलगाव में निहित है। नीरस वक्ता ऐसा करने में विफल रहता है। यह एक विचार या वाक्यांश को दूसरों से अलग नहीं करता है। वे सभी एक ही तरीके से व्यक्त किए जाते हैं। आपको यह बताने के लिए कि आपका भाषण नीरस है, आपके लिए बहुत काम हो सकते हैं। तो आइए हम जीवन के अन्य क्षेत्रों में एक रस्ता की प्रकृति और अभिशाप को देखें, फिर हम और अधिक पूरी तरह से सराहना करेंगे कि यह अन्यथा अच्छे भाषण को कैसे प्रभावित करेगा। यदि बगल के अपार्टमेंट में विक्ट्रोला बार बार सिर्फ 3 चयन करता है, तो यह मान लेना काफ़ी सुरक्षित है कि आपके पड़ोसी के पास कोई अन्य रिकॉर्ड नहीं है। यदि कोई वक्ता अपनी कुछ शक्तियों का ही उपयोग करता है, तो यह बहुत स्पष्ट रूप से इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि उसकी शेष शक्तियाँ विकसित नहीं हुई हैं। एक रस्ता हमारी सीमाओं को प्रकट करती है। अपने शिकार पर इसके प्रभाव में एक रस्ता वास्तव में घातक है। यह गाल से फूल और आंखों से चमक को पाप की तरह जल्दी से दूर कर देगी और अक्सर दुराचार की ओर ले जाती है। मानव की चतुराई से अब तक की सबसे बुरी सजा का आविष्कार अत्यधिक एक रस्ता एकांत कारावास है। मेज पर एक मार्बल बिछाएं और दिन में 18 घंटे कुछ ना करें, लेकिन उस मार्बल को
एक जगह से दूसरी जगह बदल दें और फिर से वापस आ जाएं। और अगर आप इसे काफ़ी देर तक जारी रखते हैं तो आप पागल हो जाएंगे। तो यह चीज़ जो जीवन को छोटा करती है और हमारे जेलों में सबसे क्रूर दंड के रूप में उपयोग की जाती है, वह चीज़ है जो एक भाषण के पूरे जीवन और शक्ति को नष्ट कर देगी। इससे बचें, क्योंकि आप एक घातक, सुस्त, बोर से दूर रहेंगे। निष्क्रिय धनी के पास आधा दर्जन घर हो सकता है। पृथ्वी के चारों कोनों से एकत्रित सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की कमान हो सकती है और उनकी खुशी पर अफ्रीका या अलास्का के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन गरीबी से पीड़ित व्यक्ति को पैदल चलना चाहिए या सड़क पर कार लेनी चाहिए। उसके पास बोट, ऑटो या विशेष रेलगाड़ी का विकल्प नहीं है। उसे अपना अधिकांश जीवन श्रम में व्यतीत करना चाहिए और खाद्य बाजार के मुख्य सामानों से संतुष्ट रहना चाहिए। एक रास्ता या मोनोटॉमी वह गरीबी है, चाहे वाणी में हो या जीवन में। अपने भाषण की विविधता को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि व्यवसायी अपने धन को बढ़ाने के लिए श्रम करता है। पक्षी गीत गाते हैं, जंगल की चमक और पहाड़ नीरस नहीं है। यह भूरे पत्थर के मोर्चों की लंबी पंक्तियां हैं और पक्की सड़कों के मील बहुत समान हैं। प्रकृति अपने धन में हमें अनंत विविधता देती है। अपनी सीमाओं वाला आदमी अक्सर नीरस होता है। अपने भाषण निर्माण के तरीकों में प्रकृति की ओर वापस आएं। विविधता की शक्ति उसके आनंद देने वाले गुण में निहित है। उदाहरण के लिए, दुनिया की महान सच्चाइयों को अक्सर आकर्षक कहानियों लेस मिजरबल्स में जोड़ा गया है। यदि आप पुरुषों को पढ़ना या प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पहले या आखिरी में खुश करना होगा। पियानो पर एक ही नोट को बार बार दबाएं। इससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि एक रास्ता का कान पर क्या प्रभाव पड़ता है। शब्दकोश नीरस को थके हुए का पर्याय के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह इसे हल्के ढंग में रख रहा है। यह मदहोश करने वाला है। डिपार्टमेंट स्टोर राजकुमार केवल एक धुन बजाकर जनता को घृणा नहीं करता है। एक रास्ता या मोनोटोनी से कैसे जीतें? हम अपने वार्डरोब को फिर से पोशाक से भरकर एक रास्ता को कम करते हैं। हम अपनी वाणी की शक्तियों को बढ़ाकर वाणी में एक रास्ता से बचते हैं। हम अपने औजारों को बढ़ाकर अपनी वाक शक्ति को बढ़ाते हैं। बढ़ई के पास विशेष उपकरण होते हैं जिनसे भवन के कई भागों का निर्माण किया जाता है। ऑर्गेनिस्ट के पास कुछ चाबियां और स्टॉप होते हैं जिनका उपयोग वह अपने सामंजस्य और प्रभाव पैदा करने के लिए करता है। इसी तरह वक्ताओं के पास कुछ उपकरण होते हैं जिनके द्वारा वह अपने तर्क का निर्माण करते हैं। भावनाओं पर खेलता है। आपको इन उपकरणों की
एक अवधारणा देना और उनका उपयोग करने के लिए सीखने में व्यवहारिक सहायता, तुरंत निम्नलिखित अध्याय को देखना चाहिए। कई वक्ता अभी भी ऑटोमोबाइल या ओवरलैंड एक्सप्रेस विधियों को नियोजित करने के बजाय अपने भाषण में बैलगाड़ी विधियों का उपयोग करते हैं। वे उन कानूनों से अनभिज्ञ जो दक्षता के लिए बनाते हैं। जिस हद तक आप उन कानूनों का सम्मान करते हैं और उनका उपयोग करते हैं जिनकी हम जांच करने वाले हैं और उनका उपयोग कैसे करना है सीखते हैं, क्या आपके बोलने में दक्षता और शक्ति नहीं होगी? और जिस हद तक आप उनकी अवहेलना करते हैं, क्या आपको बोलना कमजोर और अप्रभावी होगा? हम आपको इन सिद्धांतों की वास्तविक कार्यशील महारत की आवश्यकता पर बहुत अच्छी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते हैं, नेपोलियन ने कहा है, और बाकी विस्तार की बात है। एक मरे हुए घोड़े को जूता देना बेकार है, और ईसाई जगत के सभी ठोस सिद्धांत कभी भी एक मरे हुए घोड़े के बारे में जीवंत भाषण नहीं देंगे। तो यह समझ लें कि सार्वजनिक बोलना कुछ मृत नियमों में महारत हासिल करने की बात नहीं है। सार्वजनिक भाषण का सबसे महत्वपूर्ण नियम सत्य, बल, भावना और जीवन की आवश्यकता है। बाकी सब भूल जाओ, लेकिन यह बात नहीं। जब आप अगले कुछ अध्यायों में उल्लेखित वाक तंत्र में महारत हासिल कर लेंगे तो आप एक रास्ता से परेशान नहीं होंगे। इस सिद्धांतों को पूरा ज्ञान और उन्हें लागू करने की क्षमता आपको अपनी अभिव्यक्ति की शक्तियों में बहुत विविधता प्रदान करेगी, लेकिन उनके बारे में सोचकर या पढ़कर उन्हें महारत हासिल और लागू नहीं किया जा सकता है। आपको अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई और आपकी बात नहीं सुनेगा तो खुद की सुने। आपको हमेशा अपना खुद का सबसे अच्छा आलोचक और सबसे गंभीर होना चाहिए। निम्नलिखित अध्यायों में हम जिन तकनीकी सिद्धांतों का निर्धारण करेंगे वे हमारी अपनी मनमानी नहीं है। वे सभी उन प्रथाओं पर आधारित हैं जिन्हें अच्छे वक्ता और अभिनेता अपनाते हैं, या तो स्वाभाविक रूप से और अनजाने में या निर्देश के तहत। अपना प्रभाव प्राप्त करने के लिए छात्र को चेतावनी देना बेकार है कि उसे स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक होना नीरस होना हो सकता है। आर्कटिक में कुछ छोटे बीज और एक ऐसी टंग के साथ छोटी स्ट्रॉबेरी एक प्राकृतिक बेरी है, लेकिन इसकी तुलना उस उन्नत किस्म से नहीं की जा सकती है जिसका हम आनंद लेते हैं। चट्टानी पहाड़ी पर बौना ओक प्राकृतिक है, लेकिन समृद्ध नम तल भूमि में पाए जाने वाले सुंदर पेड़ की तुलना में एक खराब चीज है। स्वाभाविक रहें, लेकिन अपने प्राकृतिक उपहारों को तब तक सुधारें जब तक कि आप आदर्श के करीब नहीं पहुंच जाते, क्योंकि हमें आदर्श प्रकृति, फल, पेड़ और वाणी में प्रयास करनी चाहिए। आपके लिए प्रश्न और अभ्यास।
पहला, एक रस्ता या मोनोटोनी के क्या कारण हैं? दूसरा, प्रकृति में इसका कुछ उदाहरण दीजिए। तीसरा, मनुष्य के दैनिक जीवन में उदाहरण दीजिए। चौथा, दोनों स्थितियों में एक रस्ता के कुछ प्रभावों का वर्णन कीजिए। पांचवा, किसी भाषण को उसके अर्थ या बल पर विशेष ध्यान दिए बिना जोर से पढ़ें। छठा, अब इसे तब दोहराएं जब आप इसके पदार्थ और आत्मा को अच्छी तरह से आत्मसात कर लें। आप इसके प्रतिपादन में क्या अंतर देखते हैं? सातवां, एक रास्ता सबसे खराब और साथ ही वक्ताओं के सबसे आम दोषों में से एक क्यों है? चैप्टर 3, प्रभाव एवं वशीभूतता द्वारा कुशलता। जिस बंदूक की मारक क्षमता में अधिक फैलाव होता है, उससे पक्षियों का शिकार नहीं किया जाता। भाषण पर भी यही सिद्धांत लागू होते हैं। एक वाक्य में हर वर्ड पे अपना बल और जोर देने वाले वक्ता को परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द महत्व के नहीं होते। इसलिए केवल अहम शब्दों पर ही जोर डालने की कला का इस्तेमाल करें। कोई स्पीकर जब स्पीच देते टाइम डिफरेंट टोन यूज करे या रैंडम सेंटेंस पर जोर दे, तो जरूरी नहीं है कि उसे रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। आप हर एक वर्ड पर जोर नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ वर्ड्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब जैसे इस सेंटेंस को ले लो, डेस्टिनी इस नोट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अब यहाँ पर डेस्टिनी वर्ड पर जोर दोगे, क्योंकि ये आपकी बात का मेन आइडिया है। फिर आप नोट पर नॉट पर जोर दोगे, ये बताने के लिए कि डेस्टिनी एक चांस की बात है। लेकिन आपको चांस वर्ड पर भी जोर देना होगा, क्योंकि ये आपके सेंटेंस का दूसरा प्रिंसिपल आइडिया है। अब आप यह पूछोगे कि चांस पे क्यों जोर देना है, तो जवाब ये है कि ये चॉइस का कंट्रास्ट है और इससे दो कंट्रास्टिंग बातों पर जोर दिया जा रहा है। आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़ो और कैपिटल लेटर में लिखो, वर्ड्स पे जोर देकर बोलो, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। अब डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, दोनों में डिफरेंस है ना? एक एवरेज स्पीकर फर्स्ट सेंटेंस में उन वर्ड्स पर भी उतना ही जोर देगा जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एम्फेसिस और सबऑर्डिनेशन में एम्फेसिस्ड है, तो आप सेकंड सेंटेंस पे जोर देकर बोलोगे और ऑडियंस को वो वर्ड्स लाउड एंड क्लियर हमेशा याद रहेंगे। हालांकि हमें लाउडनेस को एम्फेसिस से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कोई किसी वर्ड को जोर से बोलने का मतलब यह भी नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट है। एक एवरेज स्पीकर फर्स्ट सेंटेंस में भी उतना ही जोर देगा जो इस नॉट ऐसे शब्द जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर एम्फेसिस और सबऑर्डिनेशन में एफिशिएंट है, तो आप सेकंड सेंटेंस पे जोर देकर बोलोगे, ऑडियंस को वो वर्ड्स लाउड एंड क्लियर
याद रहते हैं। इस चैप्टर में एम्फेसिस का सिर्फ एक फॉर्म में बताया गया है और वो है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पर जोर देना और अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स पर कम जोर देना। हालांकि हमें लाउडनेस को एम्फेसिस से कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी वर्ड को जोर से बोलने का मतलब यह नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी जोर जोर से बोलना इंटेलिजेंस की निशानी नहीं होती। एक स्पीकर को यह समझना होगा कि एम्फेसिस कोई परमानेंट रूल नहीं है, क्योंकि हम पहले से नहीं बोल सकते कि किस वर्ड पे जोर देना है और किस पर नहीं। ये स्पीकर की इंटरप्रेशन और पर डिपेंड करता है, और यह जरूरी नहीं है कि स्पीकर सेम इंटरप्रेट करे। इसमें राइट क्या है ये बताना मुश्किल है, बस हमारे माइंड में यह प्रिंसिपल होना चाहिए। यदि आप यह बात कहते हैं कि मेरा घोड़ा काला नहीं है, तो कौन सा रंग तुरंत दिमाग में आता है? सफेद स्वाभाविक रूप से उसके लिए काले रंग के विपरीत है। यदि आप इस विचार को सामने लाना चाहते हैं कि भाग्य पसंद का मामला है, तो आप पहले यह कहकर और अधिक प्रभावी ढंग से कह सकते हैं कि भाग्य कोई संयोग की बात नहीं है। जब आप कहते हैं मेरा घोड़ा काला नहीं है, तो क्या घोड़े का रंग हम पर अधिक प्रभावशाली रूप से प्रभावित नहीं होता? वह सफ़ेद है। तो यह सुनकर कि आप केवल यह कहते हैं कि आपका घोड़ा सफ़ेद है, कथन के दूसरे वाक्य में भी केवल एक ही महत्वपूर्ण शब्द है, चुनाव। यह एक ऐसा शब्द है जो चर्चा किए जा रहे विषय की गुणवत्ता को सकारात्मक रूप से परिभाषित करता है, और उन पंक्तियों के लेखक इसे सशक्त रूप से सामने लाना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने इसे एक अन्य विचार के साथ तुलना करके दिखाया है। पिच या गति में परिवर्तन, इनमें से प्रत्येक विस्तार से यह समझाएगा कि एक निश्चित सिद्धांत के उपयोग के माध्यम से जोर कैसे प्राप्त किया जाए इस अध्याय में। हालांकि हम केवल एक ही प्रकार के जोर पर विचार कर रहे हैं, महत्वपूर्ण शब्द पर बल लागू करना और महत्वहीन शब्द को अधीन करना। यह मत भूलो, यह मुख्य तरीकों में से एक है जिसे आपको अपना प्रभाव प्राप्त करने के लिए लगातार नियोजित करना चाहिए। आइए हम जोर से जोर को भ्रमित ना करें। चिल्लाना ईमानदारी, बुद्धिमता या भावना का प्रतीक नहीं है। जिस तरह का बल हम जोरदार शब्द पर लागू करना चाहते हैं, वह पूरी तरह से भौतिक नहीं है। जोरदार शब्द अधिक जोर से बोला जा सकता है या इसे अधिक धीरे से बोला जा सकता है, लेकिन वांछित वास्तविक गुण तीव्रता ईमानदारी है। यह भीतर से बाहर की तरफ आना चाहिए। कल रात एक वक्ता ने कहा, इस देश का अभिशाप शिक्षा की कमी नहीं है, राजनीति है। उन्होंने अभिशाप, अभाव, शिक्षा, राजनीति पर जोर दिया। दूसरे शब्दों को जल्दबाजी में किया गया और इस प्रकार उन्हें कोई तुलनात्मक महत्व नहीं दिया गया। राजनीति शब्द बड़े भाव के साथ प्रज्वलित हुआ, क्योंकि उन्होंने गुस्से में अपने हाथों को एक साथ थप्पड़ मारा। उनका जोर सही
और शक्तिशाली दोनों था। उन्होंने हमारा सारा ध्यान उन शब्दों पर केंद्रित किया जिनका कुछ मतलब था। आप उस गाइड के बारे में क्या सोचेंगे जो एक अजनबी को न्यूयॉर्क दिखाने के लिए सहमत हो गया और फिर चीनी लॉन्ड्री और किनारों की सड़कों पर पार्लरों को बूट करने के लिए अपना समय बिताया। एक वक्ता के अपने श्रोताओं को ध्यान आकर्षित करने के लिए केवल एक ही बहाना है, उसके पास उनके लिए सच्चाई या मनोरंजन होना चाहिए। यदि वह उनका ध्यान छोटी छोटी बातों से ढक देता है तो वॉल स्ट्रीट और गगनचुंबी इमारतें के महत्व के शब्दों तक पहुंचने पर उनके पास ना तो जीवंतता होगी और ना ही इच्छा। आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इन छोटे छोटे शब्दों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आप एक संवादी बोर नहीं है। दैनिक भाषण के सही तरीके को मंच पर लागू करें, जैसा कि हमने कहीं और देखा है। सार्वजनिक बोलना बहुत हद तक बड़े हुए वार्तालाप की तरह है। कभी कभी बड़े जोड़ देने के लिए एक शब्द में हर एक शब्दांश पर जोड़ देना उचित है, जैसा कि निम्नलिखित वाक्य में लिखा हुआ है। मैं एब्सोल्युटली आपकी मांग को मानने से इनकार करता हूँ। समय समय पर इस सिद्धांत को प्रत्येक शब्द पर जोड़ देकर एक जोरदार वाक्य पर लागू किया जाना चाहिए। यह विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए अच्छा उपकरण है और यह एक मनभावन किस्म प्रस्तुत करता है। पैट्रिक हेनरी का उल्लेखनीय चरमोत्कर्ष उस तरीके से बहुत प्रभावी ढंग से दिया जा सकता है। चैप्टर 4, स्वर बदलने की कुशलता। टोन की हाई या लो डिग्री को और उसकी वेरिएशन को पिच बोलते हैं। पिच को हम पब्लिक स्पीकिंग में एक एक्सक्लेमेशन के तौर पर अप्लाई करके यूज करते हैं। इस चैप्टर में आप यह सीखेंगे कि कैसे अपनी स्पीच के अंदर वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स में पिच को एफिशिएंटली चेंज करना है। थॉट के हर चेंज के साथ वॉइस चेंज की भी जरूरत पड़ती है, इसी को हम पिच बोलते हैं। जब स्पीकर पिच चेंज के रूल को फॉलो करता है तो स्पीच में एक गुड वॉइस वेरिएशन आती है। हालांकि कुछ लोग इसे बड़े अनइफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं जिससे ऑडियंस बोर होने लगती है। बिगिनर्स यानी नए सीखने वाले लोग और प्रोफेशनल में चेंजिंग ऑफ पिच डिफरेंट तरीके की होती है, खासकर जब उन्हें स्पीच याद हो। पिच के डिफरेंट वेरिएशन भी होते हैं, जैसे एक पियानो में होता है। पियानो में कई सारी कीज होती हैं और हर एक की एक अलग टोन या पिच होती है। यह हमारी आवाज के साथ भी है। हम अपनी स्पीच के अंदर वेरिएशन देने के लिए कई सारी टोन्स यूज करते हैं। पिच के डिफरेंट वेरिएशन होते हैं। हम अपनी स्पीच के अंदर वेरिएशन देने के लिए कई सारी टोन्स का यूज कर सकते हैं। पिच भी लगातार चेंज होती रहती है। अब जैसे एक बच्चे को ही देख लो, बच्चा
कभी भी मोनोटोनसली या बोरिंगली बात नहीं करता। यहाँ तक कि बड़े लोग भी डिफरेंट वेरिएशंस में बोलते हैं। कभी बर्ड्स की चिरमिंग को ध्यान से सुने, इनकी आवाज़ कितनी प्यारी लगती है, इनकी वॉइस टोन बदलती रहती है फिर भी हमें अच्छी लगती है। पिच चेंजिंग से भी हम एम्फेसिस कर सकते हैं, यानी किसी वर्ड को एक खास तरीके से बोलकर सुनने वालों का ध्यान उस तरफ खींच सकते हैं। इसका एक तरीका ये है कि आप उनकी अटेंशन लेने के लिए अपनी वॉइस पिच को एक खास डिग्री में चेंज कर दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब कांग्रेस क्या करने वाली है हाई पिच में और लो पिच में, मुझे नहीं पता। अपनी वॉइस पिच में अचानक चेंज लाकर आप अपनी स्पीच के कुछ खास वर्ड्स या सेंटेंस पर जोर दे सकते हैं। अपनी वॉइस पिच में अचानक चेंज लाकर आप अपनी स्पीच के कुछ खास वर्ड्स या सेंटेंस पर जोर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पिच बहुत हाई या लो नहीं होनी चाहिए। भाषण केवल गायन का एक संशोधित रूप है। मुख्य अंतर इस तथ्य में है कि गायन में स्वर ध्वनियां लंबी होती हैं और अंतराल कम होते हैं, जबकि भाषण में अंतराल ज्यादा होते हैं। तथ्य यह है कि गायन में हमारे पास स्वरों की एक बड़ी श्रृंखला होती है जो इसे सामान्य भाषण से ठीक अलग करती है। भाषण में भी हमारे स्वरों की भिन्नता होती है और सामान्य बातचीत में भी 3 से 6 अर्थ स्वर का अंतर होता है। जैसा कि मैंने अपनी जांच में पाया है, पिच से, जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा मतलब मुखर स्वर की सापेक्ष स्थिति से है। जैसे उच्च, मध्यम, निम्न या बीच में कोई भिन्नता। सार्वजनिक भाषण में हम इसे न केवल एक उच्चारण के लिए बल्कि एक विस्मयाधि बोधक का एक मोनोसिलेबल है। कुशल वक्ता के लिए न केवल क्रमिक सिलेबल्स की पिच बदलती है बल्कि अलग अलग हिस्सों या शब्द समूहों को एक अलग पिच देता है। विचार में प्रत्येक परिवर्तन आवाज पिच में बदलाव की मांग करता है, चाहे वक्ता सचेत रूप से या अनजाने में या अवचेतन रूप से इस नियम का पालन करते हैं। यह तार्किक आधार है जिस पर सभी अच्छी आवाज भिन्नताएं बनाई जाती हैं। फिर भी इस कानून का उल्लंघन किसी भी अन्य की तुलना में अधिक बार बार किया जाता है। एक अपराधी बिना पहचान और सजा के राज्य के एक कानून की अवहेलना कर सकता है, लेकिन इस नियम का उल्लंघन करने वाले वक्ता को अपनी प्रभावशीलता के नुकसान में एक ही बार दंड भुगतना पड़ता है, जबकि उसके निर्दोष श्रोताओं को एक रस्ता का सहना पड़ता है। एक रस्ता या बोरिंग न केवल पाप है या अपराधी जैसा कि हमें दिखाया गया है, लेकिन पीड़ितों पर भी एक प्लेग या बीमारी है। पिच का परिवर्तन लगभग सभी शुरुआती लोगों के लिए और कई अनुभवी वक्ताओं के लिए भी एक बाधा है। यह
विशेष रूप से सच है। जब भाषण के शब्दों को याद किया गया है, यदि आप सुनना चाहते हैं कि पिच की एक रस्ता कैसी लगती है, तो अपने पियानो में एक ही नोट को बार बार दबाएं, यहाँ तक कि एक मधुर स्वर या चहक भी जब बिना बदलाव के दोहराई जाती है, तो लागू श्रोता के लिए पागल सा होने जैसा लगता है। छोटा बच्चा शायद ही कभी नीरस स्वर में बोलता होगा। सड़क पर या घर में सुनने वाले छोटे लोगों की बातचीत का निरीक्षण करें और पिच के निरंतर परिवर्तन पर ध्यान दें। अधिकांश वयस्कों का अवचेतन भाषण इसी तरह मनभावन विविधताओं से भरा हुआ होता है। कल्पना कीजिए कि कोई निम्नलिखित बोल रहा है और विचार करें कि क्या प्रभाव केवल संकेत के अनुसार नहीं होगा। याद रखें, अब हम एकल शब्दों के विभक्ति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामान्य पिच जिसमें वाक्यांश बोले जाते हैं, जैसे कि मैं कल अपनी छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। हाई पिच, अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है, फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं समय मिलने तक प्रतीक्षा करता हूँ तो मैं कभी नहीं जा पाऊँगा। लो पिच, इसे दोहराएं, पहले संकेतित पिचों में और फिर एक ही पिच में, और प्रभाव की स्वाभाविकता में अंतर देखें। पिच के कई बदलावों के साथ निम्नलिखित अभ्यास को विशुद्ध रूप से संवादी स्वर में बोला जाना चाहिए। इसका अभ्यास तब तक करें जब तक कि आपकी डिलीवरी अगले कमरे में किसी अजनबी को यह न सोचने लगे कि आप एक दोस्त के साथ एक वास्तविक घटना पर चर्चा कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक याद किया हुआ एकलपात बोल रहे हैं। यदि आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए प्रभाव के बारे में संदेह में हैं, तो इसे किसी मित्र को दोहराएं और उससे पूछें कि क्या ये याद किए गए शब्दों की तरह लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप गलत कर रहे हैं। विचार पर विश्वास करें, इसी प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की इच्छा करें और अपने सामने दर्शनों की कल्पना करें। उनके चेहरों पर गंभीरता से देखो और इस सच्चाई को दोहराओ। यदि आप निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने कई रीडिंग के बाद पिच के कई बदलाव किए हैं। यह काम नहीं है जो पुरुषों को मारता है, यह चिंता है। एक बार इसे फिर से सुने, यह काम नहीं है जो पुरुषों को मारता है, यह चिंता है। काम स्वस्थ है। आप शायद ही किसी व्यक्ति पर उससे अधिक भार डाल सकते हैं जितना वह सहन कर सकता है। पिच का परिवर्तन जोर देता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है। पिच में विविधता श्रोता की रुचि को बनाए रखती है, लेकिन ध्यान आकर्षित करने के सबसे निश्चितों रूप में से एक ऐसा मान्य जोर सुरक्षित करना है। अपनी आवाज की पिच को अचानक और एक चिन्हित डिग्री में बदलना है। एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट हमेशा ध्यान आकर्षित करता है। सफेद काले के मुकाबले
सफ़ेद दिखता है। शिकागो की तुलना में सहारा के सन्नाटे में एक तोप जोर से गजरती है, गरजती है। ये विपरीत की शक्ति के सरल उदाहरण है। एक धर्मोपदेश के दौरान इस तरह के अचानक बदलाव से डॉक्टर नेविल ड्वाइट हिलिस ने हाल ही में बहुत जोर दिया है और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न की गंभीरता का सुझाव दिया। पिच परिवर्तन के पूर्वगामी क्रम को समान रूप से अच्छे प्रभाव के साथ उलट दिया जा सकता है। हालांकि थोड़े से बदलाव के साथ साथ या तो समझदारी से उपयोग किए जाने वाले पर विधि जोर देती है, अर्थात प्राप्त किए जाने वाले जोर के प्रकार की सामान्य ज्ञान की सराहना के साथ। पिच के इन विरोधाभासों के प्रयास में अप्रिय चरम सीमाओं से बचने का महत्वपूर्ण है। अधिकांश वक्ता अपनी आवाज बहुत ऊंची करते हैं। मिस्टर ब्रायन की वाक्यपुटता के रहस्यों में से एक उनकी कम घंटी जैसी आवाज है। शेक्सपियर ने कहा था कि एक नरम कोमल कम आवाज महिला में एक उत्कृष्ट चीज है। मनुष्यों में ऐसा भी कम नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली होने के लिए एक आवाज का स्पष्ट होना जरूरी नहीं है और ना ही मनभावना होनी चाहिए। अंत में आइए हम विभिन्न प्रकार की पिचों के उपयोग के महत्व पर फिर से जोर दें। आप पैमाने को ऊपर और नीचे गाते हैं, पहले एक नोट को छूते हैं और फिर दूसरा उसके ऊपर या नीचे। बोलने में भी ऐसा ही करें। विचार और व्यक्तिगत स्वाद आमतौर पर आपका मार्गदर्शक होना चाहिए कि कम मध्यम या उच्च पिच का उपयोग कहाँ करना है। आपके लिए प्रश्न और अभ्यास। पहला, एक रास्ता को नष्ट करने और बोलने में बल प्राप्त करने की दो विधियों के नाम लिखिए। दूसरा, बोलने में स्वर का निरंतर परिवर्तन क्यों आवश्यक है। तीसरा, बोलने में अपने अभ्यस्त स्वरों पर ध्यान दें, क्या वे सुखद होने के लिए बहुत ऊंचे हैं। चौथा, क्या हम निम्न विचारों और भावनाओं को निम्न या उच्च स्वर में व्यक्त करते हैं, जैसे उच्च या निम्न पिच में व्यक्त किया जा सकता है। उत्तेजना, जीत, हार, दुख, प्यार, ईमानदारी और डर। पांचवा, आप स्वाभाविक रूप से निम्नलिखित की तरह एक व्याख्यात्मक या कोष्टकी अभिव्यक्ति को पेश करने में पिच को कैसे बदलेंगे। यानी उन्होंने 3 सितंबर की तैयारी करना शुरू की। इस सेंटेंस को आप हाई और लो पिच में कैसे बदलेंगे। छठा, आपके द्वारा सुनी गई बातचीत का एक आरेख बनाएं, जिसमें दिखाया गया हो कि उच्च और निम्न पिचों का उपयोग कहाँ किया गया था, क्या पिच में ये बदलाव उचित थे, क्यों या क्यों नहीं। चैप्टर 5, गति में
बदलाव की कुशलता। चलते वक्त, भागते वक्त या मूव करते टाइम जो कंसिस्टेंसी रहती है उसे हम पेस बोलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में पेस का मतलब है टेम्पो। टेम्पो रेट ऑफ मूवमेंट है। एक मिनट के 6 सेकंड में 100 में जब कोई गन शूट करती है तो वह फास्ट टेम्पो है। एक ओल्ड मजल होल्डर जिसे लोड करने में 3 मिनट लगते हैं स्लो टेम्पो में शूट करता है। म्यूजिशियंस उस टेम्पो से फेमिलियर होते हैं जिस स्पीड में म्यूजिक का कोई पैसेज प्ले किया जाता है। टेम्पो चेंजिंग से डिलीवरी में नेचुरलनेस आती है और पब्लिक स्पीकिंग में नेचुरलनेस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। टेम्पो में चेंज लाते रहने से आप अपनी स्पीच डिलीवरी को नेचुरल बना सकते हैं। मिस मार्गरेट अंग्लिन के स्टेज मैनेजर मिस्टर हॉर्वर्ड लिंडसे ने यह कहा था कि चेंज ऑफ पेस एक एक्टर के लिए मोस्ट इफेक्टिव टूल होता है और किसी भी स्पीकर के लिए इस टूल को अचीव करके यूज करना इम्पॉसिबल चीज नहीं है। एक स्पीकर जब बोलते हुए अपना पेस चेंज करता है तो नेचुरलनेस साफ दिखाई देखी जा सकती है और टेम्पो चेंज करके पैसेज प्ले किया जाता है। टेम्पो चेंजिंग से डिलीवरी में नेचुरलनेस आती है और पब्लिक स्पीकिंग में नेचुरलनेस बहुत ज़रूरी चीज है। टेम्पो में चेंज लाते समय आप अपनी स्पीच डिलीवरी को नेचुरल बना सकते हैं और किसी भी स्पीकर के लिए इस टूल को अचीव करके यूज़ करना इम्पॉसिबल चीज नहीं है। एक स्पीकर जब बोलते हुए अपना पेस चेंज करता है तो नेचुरलनेस साफ देखी जा सकती है। मिस मार्गरेट एंग्लिन के स्टेज मैनेजर मिस्टर हॉर्वर्ड लिंडसे ने यह कहा था कि चेंज ऑफ पेस एक एक्टर के लिए मोस्ट इफेक्टिव टूल होता है। टेम्पो को अगर अचानक चेंज करेंगे तो ऑडियंस को तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप अपने ऑडियंस के सामने कोई पॉइंट रखना चाहते हैं तो टेम्पो को तुरंत चेंज कर दें। लोग एकदम से आपका पॉइंट नोटिस कर लेंगे मगर आपको इसके लिए टेम्पो रेगुलेटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी वरना आपकी मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर स्पीकर्स यही सेम मिस्टेक करते हैं। यहाँ हमें भी ध्यान रखना होगा कि इन चीज़ों को सीखने में वक्त लगता है। इसके लिए टेक योर टाइम और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। लैटिन ने हमें एक ऐसा शब्द दिया है जिसकी हमारी जीभ में कोई सटक समक्ष नहीं है इसलिए हमने इसे स्वीकार कर लिया है। यह गति शब्द है और इसका शब्द का अर्थ गति है। जैसा कि उस आंदोलन को निष्पादित करने में लगने वाले समय में मापा जाता है इस प्रकार अब तक इसका उपयोग काफ़ी हद तक मुखर
और संगीत कलाओं तक ही सीमित रहा है, लेकिन अधिक ठोस मामलों पर लागू गति को सुनना आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि यह शब्द के वास्तविक अर्थ को पूरी तरह से दिखाता है कि एक बैलगाड़ी धीमी गति से चलती है, जैसे टेम्पो। एक तेज गति में एक्सप्रेस ट्रेन हमारी बंदूकें जो एक मिनट में 600 बार फायर करती हैं, तेज गति से गोली मारती हैं, पुराने थूथून लोडर को लोड करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। धीमी गति से गोली मारने वाली लो पिच होती है या टोन। प्रत्येक संगीतकार इस संगीत के सिद्धांत को समझता है। उसे आठवें स्वर की तुलना में आधा स्वर गाने में अधिक समय लगता है। अब अच्छे मंच के काम में गति एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि जब एक वक्ता एक पूरे भाषण को लगभग उस गति की गति से देता है, तो यह अपने जोर और शक्ति के अपने मुख्य साधनों में से एक से खुद को वंचित कर रहा है। बेसबॉल पिचर, क्रिकेट में गेंदबाज, टेनिस सर्वर सभी अपनी गेंद को पहुंचाने में गति के परिवर्तन के मूल्य को अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसलिए सार्वजनिक वक्ता को अपनी शक्ति का निरीक्षण करना चाहिए। टेम्पो का परिवर्तन स्वाभाविकता को विवरण प्राकृतिकता या कम से कम प्रतीत होने वाली स्वाभाविकता के लिए उधार देता है, जैसा कि एक रास्ता के अध्याय में समझाया गया था। वंचित होने के लिए यह बहुत अधिक है, और गति का निरंतर परिवर्तन इसे स्थापित करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मिस मार्गरेट एंग्लिन के स्टेज मैनेजर मिस्टर हॉरवर्ड लिंडसे ने हाल ही में वर्तमान लेखक से कहा कि गति बदलाव अभिनेता के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। हालांकि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कई अभिनेताओं के रुके हुए मुंह बादल दर्पण का संकेत देते हैं। फिर भी सार्वजनिक वक्ता अभिनेता के टेम्पो के उपयोग का अध्ययन करने के लिए अच्छा होगा। हालांकि एक अधिक मौलिक और प्रभावी स्रोत है जिस पर स्वाभाविकता का अध्ययन किया जा सकता है। एक विशेषता जो एक बार खो जाने पर पुनः प्राप्त करने से कतराती है, वह स्रोत किसी भी अच्छी तरह से पैदा हुए सर्कल की आम बातचीत है। वह मानक है जिसे हम मंच पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, कुछ अंतरों के साथ निश्चित रूप से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह प्रकट होगा। यदि वक्ता और अभिनेता को पूर्ण निष्ठा के साथ उच्चारण की हर भिन्नता, हर फुसफुसाहट, घुरघुराना, विराम, मौन रहना और विस्फोट के रूप से पुनः प्रेरित करना होता है, जैसा कि हम इसे आम तौर पर हर दिन के जीवन में पाते हैं, तो अधिकांश रुचि छोड़ देगी। सार्वजनिक उच्चारण, सार्वजनिक संबोधन में स्वाभाविकता प्रकृति के वफादार प्रजनन से कहीं अधिक है।
यह प्रकृति के काम के उन विशिष्ट भागों का पुनरादोपन करती है जो वास्तव में संपूर्ण के प्रतिनिधि हैं। यथार्थवादी कहानी लेखक इसे लिखित संवाद में समझता है और हमें गति के परिवर्तन के माध्यम से प्राकृतिकता की तलाश में इसे ध्यान से रखना चाहिए। मान लीजिए कि आप निम्न में से पहला वाक्य धीमी गति से बोलते हैं, दूसरा जल्दी से, यह देखते हुए कि प्रभाव कितना स्वाभाविक है, फिर दोनों के समान गति से बोलें और अंतर को नोट करें। मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने चाकू से क्या किया। ओह, अब मुझे याद है कि मैंने इसे मैरी को दिया था। हम यहाँ देखते हैं कि गति का परिवर्तन अक्सर एक ही वाक्य में होता है, क्योंकि गति न केवल एक शब्दों के समूह और वाक्यों के समूहों पर लागू होती है, बल्कि सार्वजनिक भाषण के प्रमुख भागों पर भी लागू होती है। चैप्टर 6, विराम एवं ऊर्जा। पॉज और स्टम्बलिंग में फर्क होता है। पब्लिक स्पीकिंग में बड़े ग्रेसफुली पॉज लिए जाते हैं, स्टम्बलिंग अलग चीज है। जब आप स्पीच देते वक्त किसी वर्ड पे अटक जाते हो या गलत ढंग से बोलते हो, पब्लिक स्पीकिंग में पॉजिंग भी काफ़ी मैटर करती है। आपकी स्पीच पर इसका पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है और आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस से पहले या बाद में पॉज लेना पड़ता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप लाइंस के बीच में पॉज लेते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन कई न्यू स्पीकर्स काफ़ी लंबा पॉज लेने की गलती करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। एफिशिएंट पॉजिंग के एक या चारों रिजल्ट्स कैसे अचीव किए जाएं, ये आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। स्पीच के दौरान पॉज लेना स्पीकर को नेक्स्ट मेजर आइडिया डिलीवर करने की ओर फोकस देता है। जब स्ट्रॉन्ग फ्लो की ज़रूरत होती है तो पॉज लिया जाता है। किसी भी लड़ाई में कूदने से पहले पूरी तैयारी जरूरी है, वरना हार पक्की है। एक स्पीकर के थॉट उसके ऑडियंस के माइंड में नहीं भरे होते, स्पीकर को उन्हें उसे बताना पड़ता है। इसलिए आप पॉज लेते हैं, फिर फोर्स के साथ एक नया आइडिया ऑडियंस के सामने रखते हैं। जब स्पीकर बोलते वक्त पॉज लेता है तो उसके भी ऑडियंस मैसेज रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड रहती है। हार्बर्ट स्पेंसर ने एक बार कहा था कि ये पूरा यूनिवर्स मोशन में रहता है और हर परफेक्ट मोशन एक रिब है। एक स्पीकर के थॉट उसके ऑडियंस के माइंड में नहीं भरे होते, स्पीकर को उन्हें उसे बताना पड़ता है। इसलिए आप पॉज लेते हैं, फिर फोर्स के साथ एक नया आइडिया ऑडियंस के सामने रखते हैं। जब स्पीकर बोलते वक्त पॉज लेता है तो उसके भी ऑडियंस मैसेज रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड रहती है। हार्बर्ट स्पेंसर ने एक बार कहा था कि ये पूरा यूनिवर्स मोशन में रहता है और हर परफेक्ट मोशन एक रिम है। रिश्न का एक पार्ट रेस्ट भी है। रेस्ट के बाद
फिर एक एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे सांस आती है और जाती है, और जैसे हार्ट बीट चलती है, इसी तरह हर मोशन के बीच में भी एक पॉज जरूरी है। आप भी जब स्पीच में पॉज लेते हो तो आपकी ऑडियंस को भी एक रेस्ट मिलता है, जो आपने कहा उस पर सोचने का मौका मिलता है, क्योंकि लगातार स्पीच सुनने से ऑडियंस का माइंड थक जाएगा, फिर उन्हें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे और आपकी बात क्लियरली उन तक पहुंच नहीं पाएगी। पॉज एक तरह का सस्पेंस भी क्रिएट करता है, सुनने वाले को इंतजार रहता है कि अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपकी पब्लिक बेसब्री से आपकी नेक्स्ट लाइंस का वेट करती है, इसलिए थोड़ा पॉज लेकर उन्हें वेट करने रहता दिया चाहिए। आपकी पब्लिक बेसब्री से आपकी नेक्स्ट लाइंस का वेट करती है, इसलिए थोड़ा पॉज लेकर उन्हें वेट भी करवाना चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर शर्लॉक होम्स की स्टोरी पढ़ते वक्त हम कितने क्यूरियस हो जाते हैं। जब तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती, आप स्टोरी पढ़ना नहीं छोड़ते, लेकिन अगर मिस्ट्री जल्दी सॉल्व हो जाए तो आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप पूरी बुक क्यों पढ़ेंगे। इसलिए पॉजिंग को हम सस्पेंस क्रिएट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अनस्किल्ड स्पीकर्स अपनी ऑडियंस के सामने सिर्फ फ्लैट वर्ड्स रखते हैं, उनकी स्पीच में कोई एक्सप्रेशन या एंटरटेनमेंट नहीं होता। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्पीकर्स के बीच यही एक मेजर डिफरेंस है। आप अपनी ऑडियंस को किस तरह स्पीच डिलीवरी करते हैं या आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। हर बड़े आइडिया के बाद पॉज लेना ज़रूरी होता है, ताकि वो आइडिया ऑडियंस के माइंड में फिट हो जाए। जो लोग एक ही स्पीड में फटाफट अपनी बात ख़त्म कर लेते हैं, उनकी स्पीच किसी को याद नहीं रहती। जैसे बारिश एकदम तेज़ी से आकर बरस जाए तो फसल को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसलिए पॉज लेकर अपनी बात कहें, खासकर तब जब आपको कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटिस में लाना हो। टाइम लो और ऑडियंस को भी टाइम दो, आपकी ऑडियंस कहीं भागी नहीं जा रही। सार्वजनिक भाषण में विराम केवल मौन नहीं है, यह मौन को जानबूझकर सूक्ता बनाया गया है। सार्वजनिक बोलने में शक्ति विकसित करने के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक महत्वपूर्ण शब्द या वाक्यांश के पहले या बाद में दोनों को रोकना है। कोई भी जो एक जोरदार वक्ता होगा, वह इस सिद्धांत की उपेक्षा नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण में से एक जिसे कभी भी महान वक्ताओं को सुनने से अनुमान लगाया गया है। इस संभावित उपकरण का अध्ययन तब तक करें जब तक आप इसे आत्मसात और आत्मसात ना कर लें। ऐसा प्रतीत होता है कि आलंकारिक विराम के इस सिद्धांत को आसानी से समझा जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए। हम अनुभव के फल को
उत्सुकता से नहीं खाते हैं। जब यह प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने अधिकार की थाली में रखा जाता है, हम अपने लिए फल तोड़ना पसंद करते हैं। ना केवल इसका तब स्वाद बेहतर होगा, बल्कि हम उस पेड़ को भी कभी नहीं भूलेंगे। चैप्टर 7, सुर बदलने की दक्षता। इन्फ्लेक्शन का मतलब है वॉइस पिच का मॉड्यूलेशन। हमने चैप्टर 4 में चेंज ऑफ पिच की इम्पॉर्टेंस समझी। अब हम यह बताते हैं कि इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब है। रैंडम व आपकी स्पीच को काफ़ी बोरिंग बना देते हैं, इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करने चाहिए जो वर्ड्स को एक डीप मीनिंग देते हों। दो तरह के इन्फ्लेक्शन होते हैं, राइजिंग और फॉलिंग। इन दोनों को कंबाइन करके मॉड्यूलेशन के कई वेरिएशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कुछ खास वर्ड्स या सेंटेंस को नोटिस में लाने के लिए वॉइस पिच चेंज कर लेते हैं। अब जरा ये पढ़ो। ओह ओह, वो एकदम ठीक है। जो, he's all right। देखा, faint press या polite, doubt या जहां uncertainty के लिए कैसे rising inflection का use किया गया है। अब note करें कि कैसे same words एक falling inflection के साथ जोरदार तारीफ को express करते हैं। एक और एग्जाम्पल है जहां आप इन्फ्लेक्शन का डिफरेंस देख सकते हैं। दो सिचुएशन है, एक में आप किसी इमेजिनरी पर्सन को गुड बाय बोल रहे हो जिससे आप कल फिर मिलने के बारे में सोच रहे हो, और दूसरा जहां आप एक पुराने दोस्त को गुड बाय बोल रहे हो जिससे अब शायद फिर कभी नहीं मिलोगे। ध्यान रहे कि आपको ओवर इन्फ्लेक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये थोड़ा अनप्लीजेंट और अननेचुरल हो जाएगा। सेम चीज आपको इस चैप्टर के ख़त्म होने पर भी रिमाइंड कराई जाएगी। प्रैक्टिस करो, अपनी वॉइस को सुनो और इस बुक में दिए गए टिप्स की हेल्प से अपनी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करो। एक शब्द के भीतर पिच का परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाक्यांश से वाक्यांश में पिच के परिवर्तन की तुलना में अधिक नाजुक है। दरअसल एक के बिना दूसरे का अभ्यास नहीं किया जा सकता है। नंगे शब्द केवल बस ईंटें हैं, विभक्ति उन्हें एक फुटपाथ, एक गैरेज या एक मंदिर बना देगी। शब्दों के अर्थ को बदलने के लिए यह विभक्ति की शक्ति है जिसने पुरानी कहावत को जन्म दिया है। यह इतना नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि आप इसे कैसे कहते हैं। श्रीपति जेम्सन शेक्सपियर की टीकाकार ने हमें विभक्ति के प्रभाव का एक मर्मस्पर्शी उदाहरण दिया है। विभिन्न विभक्तियों के बिना वाणी कठोर और नीरस हो जाती है। केवल दो प्रकार की विभक्ति हैं, उदय और पतन, राइसिंग या फॉलिंग। फिर भी ये दोनों इतने छायांकित या इतने संयुक्त हो सकते हैं कि वे मॉड्यूलन की
कई किस्मों का उत्पादन करने में सक्षम है, जैसा कि एक या दो पंक्तियों सीधे या घुमावदार द्वारा चित्रित किया जा सकता है। इस प्रकार ये अनिश्चित रूप से भिन्न हो सकते हैं और केवल यह बताने के लिए काम करते हैं कि आवाज के इन दो सरल विभक्तियों से किस प्रकार के संयोजन प्रभावित हो सकते हैं। चैप्टर 8 भाषण शैली में एकग्रता। अपने हाथों से एक सर्कुलर मोशन बनाओ और साथ ही अपने पैरों से एक रेक्टेंगुलर मोशन बनाने की भी कोशिश करो। ऑफ कोर्स ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप अपने हाथ और पैरों को दो अलग अलग मोशन में नहीं चला पाएंगे। यही सेम मिस्टेक अक्सर स्पीकर्स भी करते हैं। उनकी पहली बात अभी पूरी भी नहीं हुई है कि वो दूसरी बात के बारे में सोचने लगते हैं। फिर होता क्या है, उनका कंसंट्रेशन फेल हो जाता है। स्पीच स्टार्टिंग में तो सही चलती है, लेकिन लास्ट तक आते आते उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। किसी भी वेल प्रिपेयर्ड स्पीच में जिन वर्ड्स पे जोर देना होता है वो अक्सर सेंटेंस के एंड में होते हैं, लेकिन जब स्पीकर्स इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बोले बिना ही नेक्स्ट लाइन के बारे में सोचने लगता है तो उसका कंसंट्रेशन ढीला पड़ जाता है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। यहाँ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी सेंटेंस को बोलते वक्त उसके अगले सेंटेंस के बारे में मत सोचो। जो आप बोल रहे हो सारा फोकस उसी पर रखो, अगला सेंटेंस खुद आ जाएगा। बीच बीच में पॉज लेते रहो कि अब आगे क्या बोलना है, लेकिन करंट सेंटेंस पर भी फोकस करो। आपने देखा होगा कि रटी रटाई स्पीच सुनने में कितनी बोरिंग लगती है। एक स्किलफुल स्पीकर के वर्ड्स हर बार बोलते वक्त दोबारा जन्म लेते हैं, एक उनमें से नई जान होती है। इसलिए सारे लोग अपने पूरे एंथुसियाज्म के साथ उसे सुनते हैं। वर्ड्स की फीलिंग लूज मत करो, जो भी बोलो दिल से बोलो, तभी आपके वर्ड्स ऑडियंस के माइंड में लंबे टाइम तक रह पाएंगे। अगर आप किसी ऐसी चीज पे कंसंट्रेट करते हो जो आपको हर्ट कर रही है तो आपको ज़्यादा दुख होगा। इसलिए प्रेजेंट पर ध्यान दे, जो आप बोल रहे हैं उसी पर पूरा फोकस रखें, फालतू बातों को माइंड से हटा दें। जब आप अपनी छाती को थपथपा रहे हो उसी समय अपने सिर के शीर्ष को आगे और पीछे की ओर रगड़ने का प्रयास करें। जब तक आपकी समन्वय की शक्ति अच्छी तरीके से विकसित नहीं होती है तब तक आप इसे असंभव नहीं तो भ्रमित करने वाला पाएंगे। मस्तिष्क को एक ही समय में दो या दो से अधिक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने से पहले विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह अपने उत्तर और उत्तर पश्चिम कोने के बीच वालों को विभाजित करने जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि कोई मस्तिष्क
दो अलग अलग विचारों को बिल्कुल एक साथ नहीं सोच सकता है, जो एक साथ। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का तर्क यह भी है कि जो दो चीज मल्टीटास्किंग जैसी लगती है, एक साथ प्रतीत होती है, वह वास्तव में पहले विचार से दूसरे और पीछे से बहुत तेजी के साथ रोटेशन होना है। फिर से जैसा कि ऊपर दिए गए प्रयोग में, ध्यान एक हाथ से दूसरे हाथ में तब तक जाना चाहिए जब तक कि एक या दूसरा आंदोलन आंशिक या पूर्ण रूप से स्वचालित ना हो जाए। इस विवाद का मनोवैज्ञानिक सत्य जो भी हो, यह नकारा नहीं जा सकता है कि जिस क्षण ध्यान निश्चित रूप से दूसरे या तीसरे विचार की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, मन निश्चित रूप से ही एक विचार पर पकड़ खो देता है। सार्वजनिक वक्ताओं में एक दोष जो उतना ही हानिकारक है जितना कि यह आम है, कि वे पूर्व का उच्चारण करते हुए भी बाद के वाक्यों के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं और इस तरह उनकी एकाग्रता खो जाती है। नतीजतन वे अपने वाक्यों को दृढ़ता से शुरू करते हैं और उन्हें कमजोर रूप से समाप्त करते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार लिखित भाषण में जोरदार शब्द आमतौर पर वाक्यों के एक छोर पर आता है, लेकिन एक जोरदार शब्द के लिए जोरदार अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। और यह ठीक यही है जो इसे तब नहीं मिलता है जब एकाग्रता के झंडों को बहुत तेजी से उछाला जाता है, जो अगले उच्चारण के लिए होता है। अपनी सारी मानसिक ऊर्जा वर्तमान वाक्य पर केंद्रित करें। याद रखें कि आपके दर्शकों का दिमाग आपका बहुत बारीकी से अनुसरण करता है, और यदि आप अपना ध्यान उस बात से हटाते हैं जो आप कहने जा रहे हैं, तो आपके दर्शक भी अपना ध्यान हटा लेंगे। हो सकता है कि होशपूर्वक और जानबूझकर वह ऐसा ना करें, लेकिन वे निश्चित रूप से उन चीजों को महत्व देना बंद कर देंगे जिन्हें आप स्वयं महत्व नहीं देते हैं। यह अभिनेता या वक्ता दोनों के लिए घातक होता है कि वे जल्द ही अपना पुलो क्या पार कर लें। बेशक यह सब कहने का मतलब यह नहीं है कि आपको भाषण के प्राकृतिक विराम से आपको तेजी से आगे की सर्वेक्षणा नहीं करनी है। वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि मोटर कार चलाने में आगे देखना। बस सावधानी दूसरी तरह की है। एक वाक्य बोलते समय यह मत सोचो कि वाक्य आगे कौन सा वाक्य है, इसे इसके उचित स्रोत से आने दें, जो कि है अपने भीतर से। आप एकाग्र बल के बिना एक व्यापक पक्ष नहीं दे सकते। यही वह है जो विस्फोट पैदा करता है। तैयारी में आप विचार और भावना को संग्रहित और केंद्रित करते हैं। प्रसव के दौरान विराम में आप तेजी से आगे दिखते हैं और प्रभावी हमले के लिए खुद को तैयार करते हैं।
वास्तविक भाषण के क्षणों के दौरान बोले प्रयास न करें। अपना ध्यान विभाजित करें और आप अपनी शक्ति भी विभाजित करें। बाहरी व्यक्ति पर आंतरिक मनुष्य के प्रभाव के इस मामले को यहाँ एक और शब्द की आवश्यकता है, विशेष रूप से स्पर्श करने वाली एकाग्रता के दुनिया में। यह दुनिया की पुरानी मुसीबत है, शब्दों को यांत्रिक पुकार अभिव्यंजना नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि याद किया हुआ भाषण आमतौर पर कितना खोखला लगता है? आपने अक्षम अभिनेताओं, वकीलों और उपदेशकों के ताने बाने यांत्रिक ताल को सुना है। उनकी परेशानी एक मानसिक समस्या है, वे एकाग्र विचार वाले विचार नहीं है जो शब्दों को ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के साथ जारी करते हैं, बल्कि केवल शब्द ध्वनियों को आंतरिक रूप से अभिव्यक्त कर रहे हैं। दर्शकों और वक्ता दोनों के लिए समान रूप से यह दर्दनाक अनुभव है। तोता भी उतना ही वाक्पटु होता है, वह इस प्रकार स्पष्ट रूप से विलाप करता है, मेरे शब्द उड़ते हैं, मेरे विचार नीचे रहते हैं। बिना विचार के शब्द कभी स्वर्ग नहीं जाते हैं। सच तो यह है कि एक वक्ता के रूप में आपके शब्दों को हर बार बोले जाने पर फिर से जन्म लेना चाहिए, फिर वे अपने उच्चारण में पीड़ित नहीं होंगे। भले ही उन्हें याद करने के लिए मजबूर किया जाए और दोहराया जाए, जैसा डॉक्टर रसेल कानवेल का व्याख्यान एकर्स ऑफ डायमंड्स, 5,000 बार इस तरह के भाषण दोहराए जाने से कुछ भी नहीं खोते हैं, क्योंकि वे एकाग्र विचार और भावना से उत्पन्न होते हैं और केवल कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है जिसका आमतौर पर कुछ भी मतलब होता है और बदले में कुछ भी नहीं होता है। यदि आपके शब्दों के नीचे विचार गर्म, ताजा, सहज, आपके स्वयं का हिस्सा है, तो आपके उच्चारण में सांस और जीवन होगा। शब्द केवल एक परिणाम है, कारण को उत्तेजित किए बिना परिणाम प्राप्त करने का प्रयास ना करें। क्या पूछते हैं कि एकाग्र कैसे हो? शब्द के बारे में ही सोचें और उसके दार्शनिक भाई संकेद्रित इस बारे में सोचें कि कैसे एक लेंस किसी दिए गए सर्कल के भीतर प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है और केंद्रित करता है। यह उन्हें वापसी की प्रक्रिया द्वारा केंद्रित करता है। यह एक कठोर कहावत की तरह लगता है, लेकिन जो आदमी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है, वह या तो कमजोर इच्छा शक्ति वाला है, एक घबराया हुआ मलबे में है, या उसने कभी नहीं सीखा है कि इच्छा शक्ति किस लिए अच्छी है। आपको अपना ध्यान हर चीज से पूरी तरह से हटाकर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप अपने विचार को उस दर्द पर केंद्रित करते हैं जो आपको परेशान कर रहा है, तो वह दर्द और अधिक तीव्र हो जाएगा।
अपने आशीर्वाद गिनो और वे गुणा करेंगे। अपने विचार को अपने स्ट्रोक पर केंद्रित करें और आपका टेनिस खेल धीरे धीरे सुधरेगा। एकाग्र होना केवल एक चीज पर ध्यान देना है और किसी और चीज पर ध्यान नहीं देना है। यदि आप पाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कुछ गलत है। पहले उस पर ध्यान दें, कारण को हटाओ और लक्षण गायब हो जाएगा। इच्छा शक्ति पर अध्याय पढ़ें, हर कीमत पर इच्छा करके और फिर करके अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करें। ध्यान लगाओ और तुम फिर जीत जाओगे। चैप्टर 9, बल। इस चैप्टर में हम इनर और आउटर फोर्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे। इनमें से एक कॉज है तो दूसरा उसका इफेक्ट है, एक स्पिरिचुअल है तो दूसरा फिजिकल। इसलिए हम ह्यूमन फोर्स और फिजिकल फोर्स के बीच का डिफरेंस समझना होगा। नेचर का लाउडनेस फोर्स नहीं है, हालांकि फोर्स कभी कभी नॉइस भी होता है। स्पीच में जोर जोर से वर्ड्स बोलकर आप उसे गुड या रिमार्केबल नहीं बना सकते। हालांकि कई बार किसी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें उसे ऊंची आवाज का भी सहारा लेना पड़ता है। फोर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। ऑडियंस अलर्ट हो जाएगी कि स्पीकर क्या बोल रहा है, लेकिन फोर्स अचीव करने के लिए आपको खुद को लूज रखना होगा। ऐसा माना जाता है कि आदमी खुद ही फाइनल फैक्टर है, वो खुद ही अपने फ्यूल का सप्लायर है और इस आग को हवा देती है आपकी ऑडियंस या खुद स्पीकर। लेकिन अगर आपके अंदर फोर्स ही नहीं होगी तो आग कहाँ से पैदा होगी? इस चैप्टर में फोर्स के 4 फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। पहला ऑडियंस, दूसरा सब्जेक्ट के बारे में फीलिंग्स, तीसरा वर्डिंग्स और चौथा और आखिरी डिलीवरी। इस बुक में हमने इन 4 के बारे में डिस्कस किया है। अच्छे वर्ड्स चॉइस से भी स्पीच में फोर्स आती है। प्लेन वर्ड्स ज़्यादा फोर्सफुल होते हैं उन्हें वर्ड्स के मुकाबले जो कम यूज़ किए जाते हैं। शॉर्ट वर्ड्स लॉन्ग वर्ड्स से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। स्पेसिफिक वर्ड्स जनरल वर्ड्स से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अपनी स्पीच में अगर आप सोच समझकर वर्ड्स अरेंजमेंट करते हैं तो उससे भी आपकी स्पीच में फोर्स आएगा। मॉडिफायर्स और कनेक्टिव्स को कट आउट करो। स्पीच हमेशा ऐसे सेंटेंस या वर्ड से स्टार्ट करो जिस पर लोगों का तुरंत ध्यान जाए। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी स्पीच में एक फोर्स ला सकते हैं। इस तरह की अपील में काफ़ी सच्चाई है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। स्पष्टता, अनुनय, सौंदर्य, सत्य का सरल कथन सभी आवश्यक हैं। वास्तव में वे सभी एक विषय की सशक्त प्रस्तुति के निश्चित भाग हैं।
केवल भाग ना होकर मजबूत मांस बर्फ की तरह आकर्षित नहीं हो सकता है, लेकिन यह सब भूख और भोजन की अवस्था पर निर्भर करता है। आप छोटे छोटे थपेड़ों को सहलाकर आक्रामक संदेश नहीं दे सकते। आप चकमक पत्थर से या लव टैप से दर्शकों से आग नहीं लगा सकते। एक भीड़ भरे थिएटर से उदासीन तरीके से कहें, मुझे ऐसा लगता है कि घर में आग लगी है, और आपकी घोषणा का हंसी के साथ स्वागत किया जा सकता है। यदि आप शब्दों को बाहर निकाल देते हैं, घर में आग लग गई है, वे बाहर निकलने में एक दूसरे को कुचल देंगे। बल्कि भावना और भाषा दृढ़ विश्वास के साथ निश्चित है। साहित्य में किसी भी अमर भाषण में ऐसे भाव नहीं होते हैं जैसे ऐसा लगता है मुझे न्याय करना चाहिए मेरी राय में, या मुझे लगता है शायद यह सच है। जो भाषण जीवित रहेंगे वे पुरुषों द्वारा दिए गए हैं, वे उनको दृढ़ विश्वास के साथ साहस के साथ बोलते हैं जिन्होंने अपने शब्दों को शाश्वत सत्य के रूप में कहा है। यीशु के बारे में यह कहा गया था कि साधारण लोगों ने उसे आनंद से सुना, क्यों? उसने उन्हें अधिकार रखने वालों के समान शिक्षा दी। आपको जो सच लगता है या आपकी विनम्र राय में ऐसा हो सकता है, उससे दर्शक कभी प्रभावित नहीं होंगे। यदि आप ईमानदारी से कर सकते हैं, तो दृढ़ विश्वास को अपने निष्कर्ष के रूप में जोड़ दें। अपना भाषण देने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सही हैं, फिर अपने विचारों को ऐसे व्यक्त करें जैसे कि निर्विवाद सत्य के जिब्राल्टर हों। कामवेल की तरह मजबूत हाथ और आत्मविश्वास के साथ उनका उद्धार करें। उन्हें अधिकार की अग्नि में जगाओ। उन्हें एक अल्टीमेटम के रूप में उच्चारण करें। यदि आप दृढ़ विश्वास के साथ नहीं बोल सकते हैं, तो चुप रहिए। उस युवा मंत्री के पास क्या बल था जो बहुत हठधर्मी होने के डर से अपनी श्रोताओं को उकसाता था? मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं मानता हूं कि आप हैं, यह मेरा कर्तव्य प्रतीत होता है कि मैं आपको बताऊं कि यदि आप पश्चाताप नहीं करते हैं, तो बोलने के लिए अपने पापों को छोड़ो जैसा कि वह था, और धार्मिकता की और मुड़ो। अगर मैं इसे व्यक्त कर सकता हूँ, तो तुम एक हद तक खो जाओगे। प्रभावी भाषण के युग को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यह गुलाब जल का युग नहीं है, और एक नीरस आधे अधूरे भाषण की जीत नहीं होगी। यह यात्रा हथौड़ों के सदी की है। थलचर शहरों के नीचे और पहाड़ी सुरंगों के माध्यम से उस डैश को व्यक्त करता है। और यदि आप एक लोकप्रिय दर्शकों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको उस भावना को अपने भाषण में डालना होगा। सामने की सीट से एक प्रथम श्रेणी की कंपनी को
एक आधुनिक ब्रॉडवे नाटक प्रस्तुत करें। एक कॉमेडी नहीं, बल्कि एक मनोरंजक रोमांचकारी नाटक। कहानी में लीन मत हो जाओ। तकनीक और अभिनय के बल के लिए अपना सारा ध्यान सुरक्षित रखें। इस पाठ का सुझाव देने वाले बड़े चर्मोत्कर्ष भाषणों में एक किक और एक दुर्घटना के साथ साथ एक असीम सूक्ष्म तीव्रता है। वही अच्छी तरीके से गणना की गई है। संयमित नाजुक रूप से छायांकित बल आपके विचारों को आपके दर्शकों के मन में बसा देगा। एक एयर गन एक खिड़की के फलक के खिलाफ बर्ड शॉट को खड़खड़ाएगा। यह प्लेट ग्लास और आगे की दीवारों के माध्यम से एक बुलेट को विंग करने के लिए राइफल लेता है। बल का उपयोग तब करें एक दर्शक स्वर्ग के राज्य के विपरीत है। हिंसक हमेशा इसे जबरदस्ती नहीं लेते हैं। ऐसे समय होते हैं जब आपके हिंकार में सुंदरता और शांति ही एकमात्र घंटी होनी चाहिए। बल विपरीतता के महानतम चरमों में से एक है। अन्य स्वरों के बहिष्कार के लिए ना तो इसका उपयोग करें और ना ही शांत उच्चारण का। विविध बने और विविधता में उससे भी अधिक बल प्राप्त करें जो आप इसके निरंतर उपयोग का प्रयास करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भोर की सुंदरता पर एक निबंध पढ़ रहे हैं, मधु चूसने के सुंदर खिलने के बारे में बात कर रहे हैं या गैस इंजन के तंत्र की व्याख्या कर रहे हैं, तो डिलीवरी की जोरदार शैली पूरी तरीके से बाहर दें। लेकिन जब आप इच्छा शक्ति और विवेक से तत्काल कार्यवाही के लिए अपील कर रहे हैं, तो बलपूर्वक सुपर्दगी जीत जाती है। ऐसे मामलों में अपने दर्शकों के दिमाग को कई तिजोरियों के रूप में समझें जो कि अभी बंद है और चाबियां खो गई हैं। संयोजनों का पता लगाने की कोशिश मत करो। दरारों में थोड़ा सा नाइट्रो ग्लिसरीन डालकर फ्यूज जला दें। जैसे जैसे ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं, सड़क के नीचे एक ठेकेदार एक महान इमारत की नींव रखने के लिए डायनामाइट से चट्टानों को हटा रहा है। जब आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो डायनामाइट का उपयोग करने से ना डरें। सार्वजनिक भाषण में बल की प्रभावशीलता के लिए अंतिम तर्क यह तथ्य है कि मंच के प्रयोजनों के लिए सब कुछ बढ़ाया जाना चाहिए। यही कारण है कि इतने कम भाषणों को सुबह की रिपोर्ट में अच्छी तरह से पढ़ा जाता है। बयान कच्चे और अतिशयोक्तिमिट पूर्ण दिखाई देते हैं, क्योंकि वे हैं। दर्शकों के सामने चौकस उत्साह के लिए एक चमत्कार वक्ता की जबरदस्त डिलीवरी के बिना तो अपने भाषण की तैयारी में आपको हल्के बयान के पक्ष में गलती नहीं करनी चाहिए। आपके श्रोता अनिवार्य रूप से आपके शब्दों को बाद के ठंडे भरे रंग में बदल देंगे। जब फिटियास की प्रतियोगिता
में प्रस्तुत की गई एक आकृति की कठोर बोल्ड रूपरेखा के लिए आलोचना की गई तो वे मुस्कुराया और पूछा कि उसकी मूर्ति और उसकी प्रतिद्वंदी द्वारा पढ़ी गई मूर्ति को उस स्तंभ पर स्थापित किया जाना चाहिए जिसके लिए मूर्ति कला नियत थी। जब यह सब अतिशयोक्ति और कुटिलता किया गया था, प्रत्येक भाषण उपयुक्तता और अनुपाल में एक विशेष अध्ययन होना चाहिए। यदि आप चाहें तो डिलीवरी की गड़गड़ाहट को छोड़ दें, लेकिन वेंडल फिलिप्स की तरह अपने भाषण में साइलेंट लाइटिंग डालें, अपने विचारों को सांस दें और अपने शब्दों को जलाएं। बिरेल ने कहा है, एमर्सन एक विद्युत बिल्ली की तरह लिखता है जो हर वाक्य में चिंगारी और झटके देता है। तू जाकर ऐसा ही कह, अपनी डिलीवरी में बड़ी छड़ी प्राप्त करें। चैप्टर 10, भावना एवं जोश। जो लोग फीलिंग्स के बिना स्पीच देते हैं, सच बोलें तो वे ऑडियंस का टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी स्पीच सुनने में बड़ी बोरिंग सी लगती है। ऐसी स्पीच पर लोग ध्यान ही नहीं देते। लोग कुछ देर सुनेंगे और फिर उठ खड़े होंगे। चैप्टर 10 में आप सीखोगे कि स्पीच को जानदार कैसे बना सकते हैं। हम आपको ऐसे टिप्स देंगे जो आपको पूरे एंथुसियाज्म और फीलिंग्स के साथ एक बढ़िया स्पीच डिलीवर करने में हेल्प करेगी। अपनी आंखों के सामने ही अपने बच्चे बिकते हुए देखने वाली नीग्रो मदर्स ने अपने अमेरिकी के कुछ गिने चुने और सबसे जानदार स्पीच को इंस्पायर किया है। बेशक ही इन मदर्स को स्पीकिंग की टेक्निक नहीं पता थी और ना ही उन्हें बोलने का तरीका मालूम था, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो हर टेक्निक और रीजन्स से ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, और वो थी उनके अंदर की फीलिंग्स जो वे अपने बच्चों के लिए फील करती थी। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर लोगों को या ऐसे ब्रांड्स को हायर करती हैं जो उनकी स्पीच में तालियां बजाते हैं और एंथुसियाज्म बढ़ाते हैं, और लीडर यही बोल रहा है या गलत ये तो सुनने वाले पे डिपेंड करता है, मगर इस बात पे कोई डाउट नहीं करता कि तालियों की आवाज लोगों का एंथुसियाज्म जरूर बढ़ा देती है। न्यूयॉर्क में एक वॉच मैन्युफैक्चरर ने एडवर्टाइजमेंट की दो सीरीज ट्राई की, एक में वर्कमैनशिप ड्यूरेबिलिटी और वॉच के सुपीरियर स्ट्रक्चर की बात की गई थी, वहीं दूसरे एड में यह लिखा था, एक वॉच जिस पर आप प्राउड कर सकते हो, जिसका साफ मतलब ये था कि अगर आपके पास ये वाली वॉच है तो एक तरह का प्लेजर और प्राइड फील करना चाहिए। जरा अंदाजा लगाओ कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट ने ज़्यादा कमाई की गई होगी। ऑफ कोर्स दूसरे वाले ने। अपनी स्पीच में फीलिंग्स लाने का एक तरीका यह भी है कि आप कैरेक्टर्स की स्किन में घुस जाओ। आप जो मैसेज देना चाहते हो, जो पॉइंट रखना चाहते हो या जिस पर्पस से
आयु करना चाहते हो, आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में अच्छी तरीके से बिठा लें। जो बोलना है उस पर इतना यकीन करो कि जब आप बोलो तो लोगों को सच लगे। आपकी बात आपके एक्सप्रेशन और फीलिंग से मैच होनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट के लिए ऑडियंस में सिंपथी क्रिएट करो। आपका एंथुजियाज्म रियल लगना चाहिए, तभी वो सामने वाले पर भी असर करेगा। ज़्यादातर पब्लिक स्पीचेस में ह्यूमैनिटी के टॉपिक भी होते हैं, जैसे लिटरेचर, मॉडर्न लैंग्वेज, ह्यूमन, ज्योग्राफी, लॉ और पॉलिटिक्स, या रिलीजन, आर्ट्स और हिस्ट्री। स्पीकर्स अक्सर अपने पॉइंट रखने के लिए या अपने टॉपिक की इम्पोर्टेंस शो करने के लिए इन टॉपिक्स का यूज़ करते हैं। इमेजिन करो कि आप ऑडियंस हो। आप इमेजिन करो कि आपके सामने कोई स्पीकर बगैर किसी फीलिंग के अमेरिकन हिस्ट्री पर स्पीच दे रहा है, तो आप क्या करोगे? जाहिर है आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर चला जाएगा, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप फोकस कैसे करोगे? तो भला ऐसी स्पीच से क्या फ़ायदा जब लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ही नहीं मिल पाए? एक एवरेज स्पीकर स्पीच देते वक्त थोड़ा शर्माता है, उसकी फीलिंग्स ऑडियंस के सामने खुलकर नहीं आ पाती। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर भी आप किसी प्रोफेशनल स्पीकर की तरह एक जानदार और शानदार स्पीच दे सकते हो। एक ऐसी स्पीच जो आपके सुनने वाले को लंबे समय तक याद रहेगी। यदि आप वैज्ञानिकों के एक समूह को ऐसे विषय पर संबोधित कर रहे हैं जैसे कि तितली के पंखों में नसें या सड़क की संरचना पर, तो स्वाभाविक रूप से आपका विषय आप या आपके दर्शकों में अधिक भावना पैदा नहीं करेगा। ये विशुद्ध रूप से मानसिक विषय है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पुरुष बाल श्रम को खत्म करने वाले उपाय के लिए मतदान करें, या यदि आप उन्हें स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाने के लिए प्रेरित करेंगे, तो आपको सीधे उनकी भावनाओं पर प्रहार करना चाहिए। हम नरम बिस्तर पर लेटते हैं, ठंड के दिन में रेडिएटर के पास बैठते हैं, चारपाई, चेरी पाई को खाते हैं और विपरीत लिंग में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए नहीं कि हमने तर्क दिया है यह करना सही है, बल्कि इसलिए कि यह सही लगता है। अपच के अलावा कोई भी चार्ट से अपना आहार नहीं चुनता है। हमारी भावनाएं तय करती हैं कि हम क्या खाएंगे और आम तौर पर हम कैसे कार्य करेंगे। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है, इसलिए सार्वजनिक वक्ता की पुरुषों को कार्य करने के लिए उत्तेजित करने की क्षमता लगभग पूरी तरह से उनकी भावनाओं को छूने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है। नीलामी ब्लॉक पर निग्रो माताओं ने अपने बच्चों को गुलामी में बेचे जाने को देखकर अमेरिका के कुछ सबसे
उत्तेजक भाषणों की झड़ी लगा दी। सच है, माँ को बोलने की तकनीक का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास सभी तकनीकों से अधिक कुछ था। तर्क से अधिक प्रभावी भावना है। दुनिया के महान भाषण टैरिफ में कटौती या पोस्ट ऑफिस विनियोग पर नहीं दिए गए हैं। जो भाषण जीवित रहेंगे उनमें भावनात्मक शक्ति का संचार किया गया है। समृद्धि और शांति वाक्पटुता के गरीब विकास करता है। जब बड़ी बड़ी गलतियों को सुधारना हो, जब जनता का हृदय जोश से जल रहा हो, वह यादगार भाषण का अवसर होता है। पैट्रिक हेनरी ने एक अमर संबोधन दिया, क्योंकि एक युगीन संकट में उन्होंने स्वतंत्रता की वकालत की। उसने खुद को उस बिंदु तक जगाया था जहां वह ईमानदारी और जोश से यह कह सकता था, मुझे आज़ादी दो या मुझे मौत दो। उनकी प्रसिद्धि अलग होती अगर वे आज रहते और न्यायाधीशों को वापस बुलाने के लिए तर्क देते। उत्साह की शक्ति राजनीतिक दल बैंड किए गए पर लेते हैं और तालियों के लिए भुगतान करते हैं। वह तर्क देते हैं कि वोट प्राप्त करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए तर्क से अधिक प्रभावी है। वे कितने सही हैं यह सुनने वालों पर निर्भर करता है, लेकिन उत्साह की संक्रामक प्रकृति के बारे में कोई संदेह नहीं देता है। न्यूयॉर्क में एक घड़ी निर्माता ने घड़ी विज्ञापनों को दो श्रृंखलाएं आजमाई। एक ने घड़ी के साथ पेश किए गए बेहतर निर्माण, कारीगरी, स्थापित और गारंटी का तर्क दिया। दूसरे का यह शीर्षक था, ए वॉच टू बी प्राउड ऑफ, और स्वामित्व के आनंद और गौरव पर ध्यान केंद्रित किया। बाद की श्रृंखला पूर्व की तुलना में दो गुना बिकी। लोकोमोटिव कार्यों के लिए एक विक्रेता ने लेखक को सूचित किया कि रेल इंजनों को बेचने में यांत्रिक उत्कृष्टता पर आधारित तर्क की तुलना में भावनात्मक अपील अधिक मजबूत थी। बिना संख्या के दृष्टांतों को यह दिखाने के लिए उद्धृत किया जा सकता है कि हमारे सभी कार्यों में हम भावनात्मक प्राणी हैं। वक्ता जो कुशलता से बोलेगा, उसे भावनाओं को जगाने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। वेबस्टर, महान वाद विवादकर्ता, जानता था कि वक्ता की शक्ति का वास्तविक रहस्य एक भावनात्मक है। यह वाक्यपटुता के बारे में यह कहते हैं, भाषण ने दर्शकों को रोमांचित और व्यद्युत्कृत कर दिया है। जब हम इसे याद करते हैं तो यह रोमांचित कर देता है। अन्य वक्ताओं के उच्च ध्वनि वाले वाक्यांश, ऐतिहासिक ज्ञान, दार्शनिक उच्चार किसी भी गहरी रुचि को जगाने में काफी हद तक विफल रहे हैं, जबकि वास्तविक दृढ़ विश्वास और मामूली क्लर्क की भावना एक ऐसे विषय पर बोलते हुए जो उसके दिलों में गहराई से थी, न केवल अपने दर्शकों को विद्युत किया, लेकिन उन्होंने जिस कारण की वकालत की, उसके लिए उनकी व्यक्तिगत सहानुभूति जीत ली।
जैसा कि वेबस्टर ने कहा, सहानुभूति या भावनाओं का ढोंग करने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। इससे सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। प्रकृति हमेशा वास्तविकता पर प्रीमियम लगा रही है। जो असत्य है वह शीघ्र ही पकड़ में आ जाता है। अध्ययन में भाषण को बनने और ढालने वाले विचारों और भावनाओं को मंच से भाषण देने पर फिर से जन्म लेना चाहिए। अपने शब्दों को, एक बात और अपनी आवाज पर व्यवहार को दूसरी बात ना कहने दें। यहाँ आधे अधूरे मन से प्रसव कराने के लिए कोई जगह नहीं है। ईमानदारी वाक्पटुता की आत्मा है। कार्लाइल सही था, नहीं मिराबियू, नेपोलियन बर्न्स, कामकेल, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में सही मायने में है, जिसे मैं एक ईमानदार आदमी कहता हूँ। मुझे कहना चाहिए, ईमानदारी, एक महान गहरी वास्तविक ईमानदारी किसी भी तरह से वीर पुरुषों की पहली विशेषता है। ईमानदारी नहीं जो खुद को ईमानदार कहती है, यह वास्तव में बहुत घटिया मामला है। एक उतला शेखी अक्सर आत्मदंभ मुख्य रूप से महान व्यक्तियों की ईमानदारी उस तरीके की होती है जिसके बारे में वह बात नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।